सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। सरसों के उत्पादक राज्य में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसल को नुकसान की आशंका के साथ ही नई आवकों में देरी के डर से बड़ी ब्रांड कंपनियों ने सरसों के खरीद भाव में बढ़ोतरी की है, जिससे हाजिर बाजार में भी तेजी दर्ज की गई है। जयपुर में कंडीशन की सरसों के भाव 200 रुपए से तेज होकर पुरानी के 8,050 रुपए और नई के 7,950 रुपए प्रति क्विंटल हो गए हैं। सलोनी शमशाबाद ने आज पुरानी सरसों के खरीद भाव में 50 रुपए बढ़ा दिए हैं, जबकि नई के खरीद भाव को 8,600 रुपए प्रति क्विंटल जीएसटी पेड कर दिया है। इसी तरह बीपी ऑयल मिल ने खरीद भाव में 100 से 200 रुपए, महेश एडिबल ऑयल ने पुरानी के साथ ही नई सरसों के खरीद भाव में 100 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। राजस्थान और हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के कई हिस्से में तेज बारिश होने से सरसों फसल को नुकसान होने की आशंका है, साथ ही नई फसल की आवकों में भी देरी होगी। वैसे भी कई क्षेत्र में पककर लगभग तैयार है तथा कटाई चल रही है। व्यापारियों के अनुसार सरसों के प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान सहित समूचे उत्तर प्रदेश उत्तर भारत में फिर से मौसम बिगड़ने से सरसों के सेंटीमेंट तेज हो गए हैं। खराब मौसम होने के कारण आज मंडियों में नई सरसों की दैनिक आवक भी घटकर 25 से 30,000 बोरियों की रह गई है। जानकारों के अनुसार मौसम खुलने के बाद सप्ताह भर में सरसों की नई फसल की आवक बढ़ेगी, हालांकि आगे भाव में मंदा ही आने का अनुमान है, क्योंकि चालू रबी में उत्पादन अनुमान ज्यादा है। मलेशिया में पाम तेल के भाव में अप्रैल महीने के वायदा अनुबंध में 147 यानी कि 2.7% की तेजी आकर भाव 5,596 रिंगिट प्रति टन पर बंद हुए हैं। जनवरी का पाम तेल का स्टॉक स्थिर रहने की संभावना है, क्योंकि जनवरी में उत्पादन और निर्यात दोनों में ही गिरावट के आंकड़े आ सकते हैं। निर्यात 11 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। शिकागो में आज इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में सोयाबीन, सोया तेल और मील की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।